हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीओपी। हर बच्चे को नोट करना जो ऑफलाइन भी बैठा है, नोट करना रजिस्टर सबको। निकालना ठीक है, है, देखो स्ट्रेट लाइन। बच्चों, बीओपी बीओपी की फुल फॉर्म क्या है? बैलेंस ऑफ आ पेमेंट। जा भाई। हेलो, बीओपी फोन बैलेंस करके ऑफ नोट कर, ठीक पेमेंट, है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सबसे पहले वन मार्कर जो क्वेश्चन बनाया है सीबीएसई के सैंपल पेपर में, इसके मीनिंग से बनाया है, तो हम इसका मीनिंग भी सबसे पहले लिखेंगे। तू भी नोट कर जल्दी से, जो भी बैठा है नोट करेगा, रजिस्टर क्लास करनी है कहाँ, हाथ में पेज पे लिखेगा? लिखो, पेज जिस मर्जी पे लिखो। पे लिखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स मेन पेज लाइन में, वो वर्ड्स पे फोकस पे करूंगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शंस, करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन। अच्छा, पेपर में वर्ड लिखो ऑल द ट्रांजेक्शन, यहाँ वर्ड लिखो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, बात एक ही होगी, ध्यान रखना। ठीक है, नहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट नोट करना है, जो मर्जी पेज दे नोट करो, हर बच्चा नोट करेगा। एक मिनट ठीक है, बच्चों, नहीं बैलेंस ऑफ ये पेमेंट रिकॉर्ड कैसे है? ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन सारे बिटवीन मांग बिटवीन रेजिडेंट, रहे बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड ऑल मांग द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट। लोगों को। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, किस चीज की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, ये वर्ड याद रखना, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। किससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड होगी, रिलेटिंग टू, रिलेटिंग टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो, रिलेटिंग टू इनफ्लो इनफ्लो एंड आउटफ्लो। आउटफ्लो ठीक है, और ये भाई दिमाग ड्यूरिंग एन फिस्कल ईयर, ड्यूरिंग वेरी एन फिस्कल ईयर, यहां से एक वर्ड का कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो बीओपी का मीनिंग समझ आ गया क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ट्रांजेक्शन कौन सी, रिलेटिंग टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो, रिलेटिंग टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ऑफ फॉरेन ठीक है जी, एक्सचेंज। ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बोलना है तो बोल दो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ किस चीज का होगा, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन ठीक है नहीं, ड्यूरिंग अ फिस्कल ड्यूरिंग ईयर। यहां तक क्लियर है, पक्का? यहां तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो जी बच्चों, बीओपी का नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, यहां तक क्लियर है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये लिख लिया। अब इसके बाद मैं आपको जो फ्लो चार्ट बनवा रहा हूं, आपको अब एक फ्लो चार्ट बनवाऊंगा। ये जो फ्लो चार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, सब बच्चे बनाना, इस फ्लो चार्ट में और पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, एक क्वेश्चन मिल सकता है। अब मैं पहले फ्लो चार्ट बनवाता हूँ, देखो जी। अच्छा, एक होपफुली सारे बच्चे नोट कर रहे होंगे, नहीं कर रहे ठीक है तो वो तुम्हारी गलती है। ठीक ठीक है जी, नोट सबको करना है। देखो जी, बीओपी के दो अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक क्या होता है, कैपिटल अकाउंट। बीओपी के दो अकाउंट होते हैं, करंट और एक क्या होता है, कैपिटल। करंट अकाउंट में क्या चीज आती है, सबसे पहले करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, करंट अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है, गुड्स। क्या आता है, गुड्स। अब पहले थोड़ा सा गुड्स के बारे में समझते हैं।
बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट होते हैं, करंट और एक क्या होता है कैपिटल। मेन सबसे पहले बात करते हैं किसकी, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में सबसे पहले क्या होता है, गुड्स। बच्चों गुड्स को क्या बोलते हैं, फिजिकल आइटम्स। मैं इस हिसाब से ये नोट्स बनवा रहा हूँ कि आपके वन मार्कर क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे, कोई भी आ जाए। और बीओपी के 8 क्वेश्चन आने हैं, वन मार्कर। फॉरेन एक्सचेंज के 2 हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में ध्यान रखना किसकी बात करते हैं, गुड्स की। गुड्स को क्या बोलते हैं, विजिबल आइटम्स। और गुड्स को एक और नाम क्या बोलते हैं, मर्चेंडाइज। क्या बोलते हैं, मर्चेंडाइज, ठीक है जी। गुड्स किस चीज का, गुड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। क्या आता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। यहां तक क्लियर है। बैलेंस करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में क्या आता है, गुड्स आता है। गुड्स को क्या बोलते हैं, विजिबल आइटम। विजिबल आइटम को क्या बोलते हैं, मर्चेंडाइज। क्या बोलते हैं, मर्चेंडाइज। और इसे क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। क्या, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या, ऐसी ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की। यहाँ इसके बैलेंस को हम किससे नोट करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। याद रखना बच्चों, इसके बैलेंस को हम किससे नोट करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है जी। गुड्स के बैलेंस को हम किससे नोट करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड से, ठीक है जी। गुड्स के बैलेंस को किससे नोट करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। और इसे क्या बोलते हैं, बीओटी। क्या नाम देते हैं इसका, बीओटी। वर्ड समझ आ गया, इससे नोट करते हैं बीओटी। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड यहीं से क्या बोलते हैं, बीओटी। देखो जी, अब बीओटी के देखो जी, बीओटी के बैलेंस 3 हो सकते हैं। पहला बीओटी बैलेंस कब होगा, जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों क्या होंगे, इक्वल गुड्स का। बीओटी सरप्लस कब हो सकता है, बीओटी सरप्लस कब हो सकता है, बीओटी बैलेंस कब होगा, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट इक्वल है। बीओटी सरप्लस कब होगा, जब एक्सपोर्ट ज्यादा है किससे, इंपोर्ट से, किस चीज का, गुड्स। बस याद रखना गुड्स के साथ लिंक होगा, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, डेफिसिट। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, डेफिसिट। बताओ बीओटी में डेफिसिट कब होगा, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, डेफिसिट। बताओ बीओटी में डेफिसिट कब होगा, जब इंपोर्ट ज्यादा होगा एक्सपोर्ट से गुड्स का। जब इंपोर्ट ज्यादा होगा एक्सपोर्ट से किस चीज का, गुड्स का, ठीक है जी। तो यहां से समझ आ गया, एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, वन मार्कर, इसका न्यूमेरिकल पेपर में मिलेगा। लिख जो बोल रहा हूँ बस समझ लो, वन मार्कर की तैयारी करवा रहा हूँ और जो मैं बताता जा रहा हूँ वही पेपर में मिलेगा, ठीक है नी। क्वेश्चन भी समझा देता हूँ कैसा आएगा, ये मेरी लास्ट क्लासेस चल रही है, समझ जाएगा। बीओपी करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में क्या आता है, गुड्स आता है। गुड्स को क्या बोलते हैं, विजिबल आइटम। विजिबल आइटम का मतलब क्या होता है, मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स की ट्रांजेक्शन आती है, वो बीओटी होता है। यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। क्या होता है बीओटी, डिफरेंस किसका, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। ये बैलेंस कब होगा, जब दोनों इक्वल है। बीओटी सरप्लस कब होगा, जब एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट से गुड्स का। और बीओटी डेफिसिट कब होगा, जब इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट से किस चीज का, गुड्स का। तो बीओटी का टॉपिक समझ आ गया। अब न्यूमेरिकल कैसे आएगा वो देखो बच्चों, आपको पेपर में दे देंगे बीओटी में डेफिसिट है कितना, 500 करोड़ का, ठीक है जी। बीओटी में क्या है, डेफिसिट है कितने का, 500 का। कितना है, 500 का डेफिसिट है। इंपोर्ट दे रखा है 1000, एक्सपोर्ट की वैल्यू निकालो, ये कर 500 करोड़ या 1000 करोड़, कहेगा एक्सपोर्ट की वैल्यू निकालो। अब मेरे को पता है बीओटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या देखा है, बीओटी किसमें है, डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब माइनस में, डेफिसिट का मतलब क्या होता है, माइनस में, ठीक है जी। तो इसका मतलब बीओटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये डेफिसिट का मतलब ये किसमें है, माइनस 500। मुझे क्या निकालना है, एक्सपोर्ट। इंपोर्ट कितना देखा है, 1000।
ठीक है जी, तो इधर जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस 500 प्लस 1000, तो आंसर कितना आएगा, एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 500। ऐसा क्वेश्चन पेपर में एक नंबर का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है जी। तो ये समझ आ गया बीओटी का, यहाँ तक क्लियर है। अब गुड्स के बाद नेक्स्ट क्या बढ़ाता है, सर्विसेस। गुड्स के बाद अगला क्या बढ़ाता है, सर्विसेस। अच्छा बच्चों, सर्विसेज दो तरह की होती है, सर्विसेज क्या होती है, दो तरह की होती है। ये न्यूमेरिकल समझ आ गया ना सबको? यस सर। पक्का नोट करते जाना हर चीज साथ साथ मेरे, ठीक है जी। अब देखो सर्विसेज क्या बढ़ाता है, सर्विसेज दो तरह की सर्विसेज होती है, एक होती है फैक्टर सर्विस और एक क्या होती है, नॉन फैक्टर। एक होती है फैक्टर सर्विस और एक क्या होती है, नॉन फैक्टर सर्विस, ठीक है जी। फैक्टर सर्विस और नॉन फैक्टर, फैक्टर सर्विस किसको कहते हैं, देखो जी फैक्टर सर्विस किसको कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन। क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन, ठीक है जी। इनकी जो सर्विस, जैसे मैंने बाहर लैंड खरीदा, बाहर लैंड खरीदा, हमने हम अभी एक अकाउंट पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट, एक अकाउंट पढ़ेंगे, कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट। तो जब बच्चों आप कैपिटल अकाउंट पढ़ोगे, वहां पे पढ़ोगे जो भी एसेट्स लाइबिलिटी में चेंज आता है वो कौन सा अकाउंट में आता है, कैपिटल। तो अगर मैंने बाहर प्रॉपर्टी खरीदी, कैपिटल अकाउंट में आएगा, लेकिन उस प्रॉपर्टी को मैंने रेंट पे दे दिया तो जो रेंटल इनकम है वो कौन से अकाउंट में आएगी, करंट। मैंने बाहर इन्वेस्टमेंट की, कौन से अकाउंट में आएगी, कैपिटल। उस इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हो रहा है तो वो कौन से अकाउंट में आएगी, करंट। वो कौन से अकाउंट में आएगी, करंट। समझ आ गया। मैंने बाहर लोन दिया, कैपिटल में आएगी क्योंकि लोन एसेट लाइबिलिटी को चेंज करती है, लेकिन लोन के ऊपर इंटरेस्ट होगा वो करंट में आएगा, वो फैक्टर। समझ आ रहा है। नॉन फैक्टर क्या होता है, नॉन फैक्टर में क्या आता है, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस जैसी सर्विस। शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी सर्विस क्या होती है, नॉन फैक्टर होती है। क्या होती है, नॉन फैक्टर, ठीक है जी। वेयर हाउसिंग सब इसी में आ जाएंगे, सर्विसेज में, नॉन फैक्टर में। यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चों नेक्स्ट वर्ड, तीसरा वर्ड आता है इसके अंदर, ट्रांसफर पेमेंट। तीसरा वर्ड क्या आता है इसमें, ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिलेटरल ट्रांसफर। ट्रांसफर पेमेंट को क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर, ठीक है। यूनिलेटरल ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं, वन साइडेड ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, वन साइडेड ट्रांजेक्शन, ठीक है। थर्ड आइटम समझ आ गई, करंट में क्या आती है, ट्रांसफर पेमेंट, जिसे यूनिलेटरल कहते हैं। यूनिलेटरल, यूनिल मतलब सिंगल साइडेड। इसके एग्जांपल बच्चों अपने माइंड में सेट कर लेना, गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस, गिफ्ट, रेमिटेंसेस, ये सारी ट्रांजेक्शन कहाँ पे आती है, करंट अकाउंट। डोनेशन वन साइडेड होती है, ये सारी ट्रांसफर पेमेंट है, यूनिलेटरल ट्रांसफर में आती है। यहां तक क्लियर है, पक्का। अब एक चीज, हाँ जी, यहां तक समझ आ गया सबको, पक्का। अब एक चीज सुनना, ठीक है, सुनाओ जी। सर्विस और ट्रांसफर पेमेंट, सर्विस और ट्रांसफर पेमेंट दोनों के बैलेंस को क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ इनविजिबल। बैलेंस बंदा, ठीक है जी, बैलेंस ऑफ इनविजिबल, ठीक है जी। देखो करंट अकाउंट के अंदर, अरे करंट अकाउंट के अंदर दो बैलेंस आते हैं, एक आता है गुड्स का बैलेंस, गुड्स के बैलेंस को क्या बोलते हैं, बीओटी, ठीक है। गुड्स के बैलेंस को क्या बोलते हैं, बीओटी, और एक सर्विसेज और एक ट्रांसफर पेमेंट, इन दोनों के बैलेंस को क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ इनविजिबल। और वैसे सर्विस को किस वर्ड से बुलाते हैं, इनविजिबल। सर्विस को किस वर्ड से बुलाते हैं, इनविजिबल, ठीक है। सर्विस को क्या बोलते हैं, इनविजिबल, और इन दोनों के बैलेंस को क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ इनविजिबल। समझ आ रहा है। एक क्वेश्चन है सैंपल पेपर में, यहां से भी
ठीक है, तो इनविजिबल के बैलेंस में क्या आता है वो याद रखना, क्या आता है, सर्विसेस आती है और क्या आती है, ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है नी, ठीक है। बैलेंस ऑफ इनविजिबल का मतलब क्या होता है, वो जो देखो ठीक है, बैलेंस ऑफ इनविजिबल समझ आ गया, वही जो हमारे पास रिसिप्ट हो रही होंगी इनविजिबल से माइनस पेमेंट इनविजिबल की, उसका बैलेंस आपको ये नहीं पूछेगा, बस याद रखना अगर पूछे बैलेंस ऑफ इनविजिबल में क्या क्या आएगा, सर्विस और ट्रांसफर पेमेंट दोनों आए। ये पूरा करंट अकाउंट समझ आ गया आपको, हाँ जी, करंट अकाउंट पूरा क्लियर हो गया, ठीक है जी। पेपर सेटर यहाँ से डिटेल में जाएगा, ध्यान रखना, यहाँ से न्यूमेरिकल में जा सकते हैं, यहाँ अभी मैं क्वेश्चन सैंपल पेपर में आपको इसके दिखाऊंगा तो समझ आ जाएगा। पहले भी मैं चैप्टर कवर कर लूँ, फिर बोर्ड डिस्कस करेंगे, ठीक है। याद रखना मैं बहुत डिटेल में इससे जा रहा हूँ, यहाँ से डिटेल में जाएगा पेपर सेटर, ठीक है जी। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट पे, इसके बारे में बात कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट के बारे में। बच्चों कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, वो ट्रांजेक्शन आती है जिससे इंटरनेशनल एसेट्स और लाइबिलिटीज में, इंटरनेशनल एसेट्स और लाइबिलिटी क्या आता है, चेंज, वो कौन से अकाउंट में आएगा, कैपिटल अकाउंट। इंटरनेशनल एसेट्स और लाइबिलिटी में जो भी चेंज आता है कौन से अकाउंट में आएगा, कैपिटल। समझ आ गया, इंटरनेशनल एसेट्स और लाइबिलिटी में जो भी चेंज आएगा कौन से अकाउंट में आएगा, कैपिटल अकाउंट। यहां तक क्लियर है। अब इसका मैं क्वेश्चन आपको बता दूं कैसे पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है नी, सुनना, हमें ये तो पता है। देखो पहला वर्ड आता है इन्वेस्टमेंट, पहली आइटम कैपिटल में क्या आती है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एंड टू अब्रोड। फर्स्ट आइटम क्या आती है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एंड टू अब्रोड। फर्स्ट आइटम क्या आती है पेपर में, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एंड टू अब्रोड। मैं बाहर इन्वेस्ट करता हूँ, बताओ मेरी इंटरनेशनल एसेट्स क्या होंगी, बढ़ेंगी। मैं बाहर इन्वेस्ट करता हूँ, मेरी इंटरनेशनल एसेट्स क्या होंगी, बढ़ेंगी। बाहर वाले इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर वाले कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया में, हमारी क्या बढ़ेगी, इंटरनेशनल लाइबिलिटीज कहाँ पे आएगा, कैपिटल में। अब ये रूल याद रखना, जब भी इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, जब भी इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, इनफ्लो का मतलब जब भी पैसा आएगा तो कौन सी साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड, कौन सी साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे। यानी जब भी बाहर से पैसा आएगा तो कौन सी साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड, कौन सी साइड पे आएगा, क्रेडिट। और जब भी बाहर पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा, जब भी पैसा जाएगा आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, कौन सी साइड पे आएगा, डेबिट साइड। जब भी फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो निकलेगी यानी फॉरेन एक्सचेंज इंडिया से, कौन सी साइड पे, डेबिट साइड। और जब भी फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आएगी कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड। समझ आ गया, जब भी फॉरेन एक्सचेंज आएगी क्रेडिट साइड, जब भी जाएगी डेबिट साइड। यहां तक क्लियर है, पक्का। तो बताओ जब हम बाहर इन्वेस्ट करेंगे, हमारे इंडिया से पैसा आएगा जाएगा, जाएगा, कौन सी साइड पे, डेबिट साइड। जब बाहर वाले इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा आएगा जाएगा, आएगा, क्रेडिट साइड। सेकंड पॉइंट, बोरिंग एंड लेंडिंग फ्रॉम एंड टू अब्रोड। क्या बढ़ाता है, बोरिंग एंड लेंडिंग फ्रॉम एंड टू अब्रोड, इस लाइन का मतलब क्या है, मैंने बाहर से बोरो किया, ठीक है जी। देखो बोरिंग एंड लेंडिंग फ्रॉम एंड टू अब्रोड, हमने बाहर से बोरो किया, हमारी क्या है, इंटरनेशनल लाइबिलिटीज बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है कैपिटल अकाउंट में, लेंडिंग कर रहे हैं तो इंटरनेशनल एसेट बढ़ रही है, कहाँ पे आएगा, कैपिटल। भाई क्लास ले ले बीओपी वाली, तो बोरिंग एंड लेंडिंग फ्रॉम एंड टू अब्रोड आ गया, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है जी। अब पेपर सेटर क्या कर रहा है, यहाँ से नहीं, इसके भी डिटेल में पूछ रहा है,
देखो जी, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट चीज। देखो, इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक क्या होती है डायरेक्ट, और एक होती है बच्चों पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एक है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक क्या है पोर्टफोलियो। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक क्या होती है पोर्टफोलियो। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, एफडीआई, ठीक है नी। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ठीक है जी, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या आती है FII, कहाँ पे आती है पोर्टफोलियो में। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट समझ आ गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और नेक्स्ट देखो बच्चों, ऑफिशियल रिजर्व की ट्रांजेक्शन। क्या बढ़ाते हैं, ऑफिशियल रिजर्व की ट्रांजेक्शन, क्या बढ़ाते हैं ऑफिशियल रिजर्व की ट्रांजेक्शन। अगर हमारा रिजर्व बढ़ रहा है या हमारा रिजर्व कम हो रहा है, अगर हमारा रिजर्व बढ़ रहा है या रिजर्व कम हो रहा है, तो ऐसी ट्रांजेक्शन कहाँ पे आती है, कैपिटल। अब ये क्या होती है वो भी बताते हैं। यहाँ तक टॉपिक समझ आ गया बीओपी का, यहाँ तक क्लियर है सबको टॉपिक, कोई इश्यू तो नहीं है यहाँ तक, पक्का। हाँ जी, एक मिनट मैं आपको अब बता दूं, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक वर्ड और बता रहा हूँ और उसके बाद। यस मैम। सर एक बार पोर्टफोलियो वाला वापस समझा दो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है जब डिफरेंट जगह हम इन्वेस्ट करते हैं उसे पोर्टफोलियो बोलते हैं। अब FII क्या होता है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होते हैं ना, वो एक जगह इन्वेस्ट नहीं करते, डिफरेंट जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। अच्छा एक चीज बच्चों ध्यान रखना, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन इसमें आती है क्या होता है, अभी बता रहा हूँ, एक ही लाइन लिखवा रहा हूँ, वैसे तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय के पेपर में आया है, मेरे को किसी टीचर ने बोला है बता देना बच्चों को, आ सकती है शायद, पहले लास्ट ईयर आई थी, ये लाइन याद रखना। बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट ये क्यों होती है वो भी मैं बताऊंगा, ये इक्वेशन लिख लेना, बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट प्लस बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट प्लस बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू जीरो। करेंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा इक्वल टू क्या होगा, जीरो। यानी अगर इसमें डेफिसिट होगा तो इसमें क्या होगा, सरप्लस होगा। क्यों होगा आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बस इतना याद रखना, ये इक्वेशन याद रखो, अभी क्या है वो बाद में बताता हूँ, ठीक है जी। ये वैसे अरे मैं अभी बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, अभी पहले भी एक मिनट थोड़ा दे, इधर देखो जी, करंट अकाउंट के अंदर तीन चीजें होती हैं, करंट अकाउंट के अंदर तीन चीजें होती हैं, यहाँ तो करंट अकाउंट हमेशा बैलेंस होगा, जब करंट अकाउंट की रिसिप्ट किसके इक्वल होगी, करंट अकाउंट की पेमेंट, ठीक है जी। यहाँ करंट अकाउंट किस में आएगा, सरप्लस में, सरप्लस होगा, बताओ सरप्लस कब होगा, सरप्लस कब होगा, करंट सरप्लस ज्यादा होगी पेमेंट से, सरप्लस, सरप्लस का मतलब फालतू होता है, कम होता है, फालतू, कब होगा, जब रिसिप्ट ज्यादा होंगी किससे, पेमेंट से, ठीक है जी। अब सबसे पहले मेरे को ये बताओ, करंट अकाउंट में रिसिप्ट कब होती है, करंट अकाउंट में तीन आइटम कौन सी आती है, गुड्स, सर्विस और ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। और करंट अकाउंट को रिसिप्ट किस चीज से होगी, एक्सपोर्ट करने से गुड्स के, एक्सपोर्ट करने से सर्विसेज के, नहीं। और ट्रांसफर पेमेंट जब हम रिसीव करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट क्या करेंगे, रिसीव, तब मेरी रिसिप्ट होगी, हाथ तो हटाओ, ठीक है जी। करंट अकाउंट में सरप्लस कब होगा, जब रिसिप्ट ज्यादा होंगी पेमेंट से। करंट अकाउंट को बताओ रिसिप्ट किससे होती है, गुड्स को एक्सपोर्ट करने से,
सर्विस को एक्सपोर्ट करने से और ट्रांसफर करने से। अच्छा पेमेंट, पेमेंट से बताओ करंट अकाउंट में हम किस चीज की पेमेंट करते होंगे? गुड्स के इंपोर्ट की, सर्विसेज के इंपोर्ट की, और किस चीज के लिए? यूनिलेटरल ट्रांसफर की पेमेंट, यानी इसकी पेमेंट। समझ आ गया? हाँ जी क्लियर है सरप्लस का मतलब। अच्छा एक चीज बताओ, एक वर्ड क्या होगा? डेफिसिट करंट अकाउंट, क्या वर्ड आएगा? समझ आ रहा है ना? डेफिट का मतलब क्या होगा? कमी। डेफिट का मतलब क्या होता है? कमी। बताओ करंट अकाउंट में डेफिट कब होगा? जब पेमेंट ज्यादा हो जाएगी किससे? रिसिप्ट से। जब पेमेंट ज्यादा हो जाएगी किससे? रिसिप्ट से। जब पेमेंट ज्यादा हो जाएगी किससे? रिसिप्ट से। अब पेपर सेटर ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा? अगर कंट्री में करंट अकाउंट सरप्लस है तो कंट्री किस पोजीशन में? लोन देने की पोजीशन में, लोन देने की, लोन लेने की पोजीशन में, देने की, देने की। तो यहाँ पे कंट्री लैंडिंग की पोजीशन में, यहाँ पे कंट्री किस पोजीशन में? लैंडिंग, लोन देने की, क्योंकि सरप्लस है। ठीक है जी, जैसे चाइना थी अभी कुछ टाइम पहले लैंडिंग पोजीशन में। अब अगर कंट्री में डेफिसिट करंट अकाउंट है तो बताओ कंट्री किस पोजीशन में? बोरर की पोजीशन, बोरर की यानी लोन लेने की पोजीशन में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एनसीईआरटी की लाइंस। ठीक है सरप्लस समझ आ गया? बोरर की पोजीशन, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी समझ आ गया पक्का? चलो अब नेक्स्ट देखो जी, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बाद में, कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों कैपिटल अकाउंट में एक चीज देखना, यहां भी तीन पॉसिबिलिटी होगी, बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट। बैलेंस कब होगा? कैपिटल अकाउंट में भी तीन पॉसिबिलिटी होगी, बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट। बताओ बैलेंस कब होगा? जब इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होंगे? इक्वल। जब इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होंगे? इक्वल। कैपिटल अकाउंट में सरप्लस कब होगा? जब इनफ्लो ज्यादा होगा किससे? आउटफ्लो से। और बताओ कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट कब होगा? जब आउटफ्लो ज्यादा होगा किससे? इनफ्लो से। अब मुझे ये बताओ कैपिटल अकाउंट में इनफ्लो कब होगा? जब मैं कोई एसेट खरीदूंगा बेचूंगा, बेचने से मैं बाहर की कोई एसेट बेच दूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, मैं बाहर कोई एसेट खरीदूंगा तो पैसा जाएगा। समझ आ गया कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट का? क्लियर है? पेपर में इसके बाद से जितना अभी तक बताया कुछ नहीं आएगा बीओपी में। अब जो बताने जा रहा हूँ वो सेफ्टी साइड है, मेरी बुक में भी उसके क्वेश्चन दिए हुए मार्कर, एक पांच मिनट का टॉपिक है वो भी करना है, फुल बीओपी के। ये वीडियो देख लो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए प्रैक्टिस कर लेना, सारे हो जाएंगे। ठीक है जी, अब देखो जी मेरी कंट्री का आउटफ्लो कितना है? आउटफ्लो कितना है? $1100 का। ये टॉपिक बस समझ लो सारे बच्चे, नोट बाद में कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आउटफ्लो कितना है? $1100 का, ये समझ लो बस, स्क्रीनशॉट ले लेना। आउटफ्लो कितना है? $1100 का। इनफ्लो कितना है? $1000 का। कितने डॉलर की कमी आ रही है? $100 की। कितने डॉलर की कमी आ रही है? 100। अगर आउटफ्लो भी 1000 होता, इनफ्लो भी 1000 होता, क्या ये कमी होती? आउटफ्लो ज्यादा इनफ्लो से, कितने कमी आ रही है? $100 की। इस कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? बोरो करेगी। इस कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? बोरो। अगर आउटफ्लो भी 1000 होता, इनफ्लो भी 1000 होता, क्या गवर्नमेंट बोरो करती? तो बोरिंग की ट्रांजेक्शन किसी और पे क्या होती है? डिपेंडेंट। क्या होती है? डिपेंडेंट। तो जो ट्रांजेक्शन डिपेंडेंट होती है उसे क्या बोलते हैं? एक्युमुलेटिंग। क्या बोलते हैं? एक्युमुलेटिंग। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? अब बताओ आउटफ्लो और इनफ्लो क्या डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट। तो जो ट्रांजेक्शन इंडिपेंडेंट होती है उसे क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस। ये इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है जी, इंडिपेंडेंट को बोलते हैं अबव द लाइन आइटम। क्या बोलते हैं? अबव द लाइन आइटम। और इसे क्या बोलते हैं? बिलो द लाइन आइटम, डिपेंडेंट को। अच्छा यहां तक क्लियर है? और अगर आउटफ्लो ज्यादा है इनफ्लो से तो इसे बोलते हैं बीओपी डेफिसिट। क्या बोलते हैं? बीओपी डेफिसिट। जब ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन का आउटफ्लो ज्यादा हो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन के इनफ्लो से तो क्या बोलेंगे? बीओपी डेफिसिट।
और ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन का इनफ्लो ज्यादा हो आउटफ्लो से क्या बोलेंगे, बीओपी सरप्लस। सरप्लस में हम इन्वेस्ट करते हैं, डेफिसिट में क्या करते हैं, बोरो करते हैं। तो बीओपी डेफिसिट भी समझ आ गया। तो बीओपी डेफिसिट किसकी वजह से होता है, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन की वजह से। और इसे ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, एक्युमुलेटिंग ट्रांजेक्शन। यहां तक क्लियर है, पक्का समझ आ गया, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन क्लियर है, जो इंडिपेंडेंट होती है, और एक्युमुलेटिंग क्या होती है, जो डिपेंडेंट होती है। ये बिलो द लाइन होती है और ये अबव द लाइन होती है। और बीओपी में डेफिसिट कब आएगा, जब ऑटोनोमस का आउटफ्लो ज्यादा होगा ऑटोनोमस के इनफ्लो से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये टॉपिक सेफ्टी साइड पढ़ना है, हम ये टॉपिक सेफ्टी साइड पढ़ना है, समझ गए। इससे पहले वाला पूरा पढ़ना है, ये सेफ्टी साइड पढ़ना है। इसके क्वेश्चन मैंने अपने जितनी नई बुकलेट है उसमें भी दिए हुए। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक है, फिर फॉरेन एक्सचेंज चालू होगा 9:15 पे। ठीक है जी, जल्दी से नोट कर लो, दोबारा समझा देता हूँ एक बार दोबारा। अरे ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन बस इतना याद रखो, इंडिपेंडेंट होती है, एक्युमुलेटिंग किससे की जाती है, इसे ठीक करने के लिए, यानी वो डिपेंडेंट होती है। ठीक है, ये अबव द लाइन होती है, बिलो द लाइन। अगर इसका आउटफ्लो ज्यादा होता है ऑटोनोमस का इनफ्लो से, तो उसे क्या बोलते हैं, बीओपी डेफिसिट। अगर ऑटोनोमस का इनफ्लो ज्यादा होगा आउटफ्लो से, तो बीओपी सरप्लस। एक्युमुलेटिंग तो आउटफ्लो इनफ्लो होता ही नहीं ना, एक्युमुलेटिंग तो इसको ठीक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका डिफरेंस मेरे आगे वाले नोट से पढ़ लेना। ये सेफ्टी साइड है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेफ्टी साइड, लेकिन